Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great and आप सब अच्छे होंगे, अच्छा अच्छा कर रहे होंगे. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत दिनों बाद एक मीशो हॉल. एक रैंडम हॉल होने वाला है, मतलब मैंने कुछ कुछ चीज़ें मंगाई थी तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. मतलब कुछ उसमें कपड़े हैं, कुछ होम डेकोर के हैं, कुछ क्रॉकरीज हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने इस बार ना सब कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेंडी ट्रेंडी चीज़ें मंगाई हैं. तो लेट्स सी. तो पहला है ये बॉक्स. इट्स लाइक इसमें लिखा है फ्रजाइल आइटम, मतलब कि कुछ टूटने वाली चीज़ है. लेट्स सी इसमें क्या है. ऐसे मैंने पहले से खोल रखा है कि बस मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ऐसे बॉक्स में करके रखा हुआ है. सो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है. एनी गेसेस? वाओ, कितना प्रीटी लग रहा है ये. सो ये कप मैंने हर जगह देख रही थी, बट मतलब मुझे ऐसा था कि जो चीज़ें हर जगह रहती मुझे जल्दी पसंद नहीं आती कि मतलब सबके पास है. बट ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे मतलब देख के था कि मुझे इस ये चाहिए. और ये देखो इसके अंदर एक हार्ट है. मेरे हिसाब से सबने तो देख ही लिया होगा, बट दिस इज सो क्यूट. ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. इसके साथ एक मतलब जैसे जो सॉसर होता है ना उसके साथ भी आता है, बट मैंने वो वाला नहीं लिया था क्योंकि मैं यूजुअली वो यूज़ नहीं करती. मुझे बस कप चाहिए था तो मैंने बस वही लिया. अगर आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो. बट दिस इज़ लाइक द बेस्ट एंड द क्यूटेस्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम मीशो टिल नाउ. मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप डेफिनेटली ये ले सकते हो. लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. सो दिस इज व्हाट, ये हमारा अगला प्रोडक्ट. मैंने सारी क्यूट क्यूट चीज़ें मंगाई हैं यार मीशो से. ये देखो ये कितना क्यूट है. तो ये एक बास्केट है जिसमें आप कुछ भी रैंडम चीज़ें रख सकते हो, जैसे चार्जर हो गया और जैसे लिपस्टिक्स वगैरह हो गए ना. ये लिपस्टिक जो मैंने अभी लगा रखी है ये जैसे हो गया, तो काफ़ी स्पेशियस है. जैसे आपके पास कोई टेबल है, टेबल के ऊपर इसको रख दो. इसके ऊपर जैसे जैसे टेबल के ऊपर मेस पड़ा होता है ना, मेस उस इसके अंदर डाल दो और फिर इसको ऐसे कैप पहना दो. तो ये आपको देखने में भी क्यूट लगेगा और इसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें स्टोर भी करके रख सकते हो. तो इस लाइक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्यूट है, डेकोरेटिव भी है और आपको स्टोरेज का भी काम दे रही है. तो ये भी आप बहुत ही बहुत बहुत क्यूट है यार, जरूर ले सकते हो. अगर आपको स्टोरेज की दिक्कत हो रही है आप अपनी अलमारी के अंदर भी रख सकते हो, अलमारी के बाहर रखोगे तो वो और क्यूट दिखेगी. सो यार बस क्यूट है यार, ले लो, लेना है तो इसको. और बात कर ले इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. काफ़ी ज़्यादा ये मोटा है, लाइक जो वो कैसे यू कैसे जो जूट रग आता है ना, ये उस वाले मटेरियल का है. काफ़ी ज़्यादा मोटा है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. आप देख सकते हो इतना मोटा है ये और एकदम पूरा स्पेशियस है. और इसकी ये जो चीज़ें हैं ना, बटन्स वगैरह, ये भी काफ़ी अच्छी है. मतलब कि ये जल्दी निकलेंगी नहीं. सो या आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो. इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, दैट्स वाई आई गॉट दिस. सो या बट नेक्स्ट आइटम पे. आवर नेक्स्ट आइटम, ये गेस करो क्या है. ये ना चार्जर, जो हमारे पास फ़ोन के चार्जर्स होते हैं ना, ये उसके कवर्स है दोनों. ये जो है ये चीज़ वायर पे लगती है और ये ऊपर वाला जो अडैप्टर पे लगेगा और ये जो पिन होता है वहाँ लगेगा. दिस इज सो क्यूट. सो या ये काफ़ी ज़्यादा लाइक आपके चार्जर को प्रोटेक्ट करता है, इस वजह से आप ले सकते हो. क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता है तो मेरा चार्जर पिछला बहुत ख़राब हो चुका है. दैट्स वाई आई वाज लाइक कि मुझे लेना. मैंने अभी भी लगा रखा है ऐसे गोल गोल सा, बस इतना सा होता है ऊपर नीचे, बट मुझे ये वाला लेना था क्योंकि इससे ये जो अडैप्टर है ना ये भी आपका बहुत सिक्योर रहेगा. इसकी वजह से आपके वायर बहुत सिक्योर रहेगी. मैं आपको चार्जर में लगा के इधर वीडियो अटैच कर दूँगी तो आप वो देख लेना. एंड या इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. कलर वाइज मैंने ब्लैक लिया क्योंकि ये जल्दी गंदा नहीं होगा, बाकी कोई भी कलर बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा. सो दैट्स वाई इस वाले का भी लिंक अटैच कर दूंगी तो आप देखना, बिल्कुल मत भूलना. ये वाला पार्सल मैंने अभी तक खोला नहीं है. इसमें आई गेस होम डेकोर का आइटम है. तो ये मैंने एक डेकोरेटिव आइटम मंगाया था
एंड ये कुछ ऐसा आया है, दिस इज सो गुड। मैं भी इसको पहली बार देख रही हूँ ऐसे सामने से, दिस इज सो गुड यार। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड लुक एट द प्रिंट, कितना ज़्यादा अच्छा है ना। और ये एविलाई, इधर भी एविलाई का ही कुछ तो है एंड ये भी कुछ तो, इसको बोलते हैं एविलाई का ही कोई चीज़ होता है दोनों। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आई गेस 110 या 120 का है। आई विल मैंशन प्राइज एनी वेयर ऑन द स्क्रीन, बट दिस इज़ सो क्यूट, बट दिस इज़ सो गुड यार। बहुत अट्रैक्टिव पीस है, अगर आप एक किसी भी वॉल पे अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो आप इसको लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वाओ प्रिटी, एंड इसकी वुड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, लाइक बिल्कुल भी मतलब ऐसा पतला वाला नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। एंड इसका थ्रेड भी काफ़ी अच्छा है, सो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो, लाइक बहुत ही अच्छी पीस है ये। अगर आप अपने घर में इसको ऐड करोगे ना तो काफ़ी अच्छा कलर ऐड करेगा और एविलाई से आपको नज़र, बुरी नज़र से भी दूर रखेगा। बट देन नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, ये भी अभी तक मैंने नहीं खोला है, ये भी होम डेकोर ही है एंड आई नो कि इसके अंदर क्या है क्योंकि मैंने होम डेकोर में बस दो ही चीज़ें मंगा रखी थी। ये तो मैंने नहीं मंगाया है, वेट, नो नो नो, ये तो मेरे को पूरा ही डिफरेंट आइटम रिसीव हो गया है यार, ये मैंने एकदम नहीं मंगाई, ये क्या भेज दिया मीशो वालों ने। और ये मेरे साथ पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है, मैंने सुना तो बहुत है कि मीशो कुछ कुछ अलग अलग सी चीज़ें भेज देता है, बट दिस इज नॉट व्हाट आई ऑर्डर्ड मीशो, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। मैं अब तक तो बहुत अच्छा अच्छा सब चीज़ें क्यूट क्यूट मिल रही थी यार, लेकिन ये वो नहीं है। मैं अटैच कर दूंगी कि मैंने मंगाया गया था, बट ये वो नहीं है। ओके लेट मी गाइस, हम अपना नेक्स्ट सामान देखते हैं क्या है। ओह तो ये मैंने बहुत ही सिंपल सा एक ब्लैक टैंक टॉप मंगाया है, बस कुछ कुछ चीज़ों के अंदर पहनने के लिए, एंड दिस इज व्हाट इट इज। अच्छी क्वालिटी है, आई विल सी कि ये कैसा लग रहा है मुझ पर यार। किंग साइज तो एकदम सही है, इसको अब पहन के देखना पड़ेगा कि ये कैसा है, बट क्वालिटी वाइज इट्स वेरी गुड और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। मैंने एक और वाइट कलर में मंगाया था बट उसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं है। इसका साइज एम है गाइज एंड मुझे लगता है ये एम के हिसाब से थोड़ा ढीला आएगा मुझ में, आई डोंट नो, ट्राई करने पर पता। मटेरियल काफ़ी अच्छा मोटा, काफ़ी मोटे मटेरियल में है और इसमें थोड़ी सी आपको गर्मी लग सकती है, ऐसा वाला मटेरियल है ये। सो यस एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस। तो मैंने ये एक पिंक, हॉट पिंक कलर का एक शर्ट मंगा रखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बट ये साइज़ छोटी आ गई है मेरे में, तो मैं इसको एक्सचेंज करने वाली हूँ। थोड़ा सा चेस्ट के पास से मुझे ये टाइट हो रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एकदम वो जो टिश्यू वाला मटेरियल होता है, टिश्यू जिस तरीके का टेक्स्चर होता है टिश्यू का, ये वैसा मटेरियल है, टिश्यू होता है ना एकदम सॉफ्ट सा, ये उसका इसका वैसा वाला मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्वालिटी एकदम सॉफ्ट, एकदम सुपर डुपर क्वालिटी, आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। अभी तो मुझे इसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के मैंने एम में मंगाया था, बट यार एम में भी मुझे छोटी आ रही, तो इसका मुझे वेट, इसका साइज़ पता नहीं क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, बट मैंने ऑर्डर एम में करा था, बट इसको एक्सचेंज करके अब एल साइज़ मंगाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, मैं इसका वाइट वाला भी कलर मंगाऊंगी क्योंकि मुझे वो भी चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ दिस ड्रेस, प्रिटी सी मिडी ड्रेस है ये, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है। थोड़ा सा ऐसे ये लूज सा फिट में मैंने मंगा रखा है, ऐसे ये गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसका मटेरियल एकदम जैसे कॉटन मटेरियल होता है ना, थोड़ा थिक वाला वैसा मटेरियल है इसका, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है एंड इसके प्रिंट भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऐसे रैंडम से फ्लावर्स बने हुए हैं ब्लैक कलर में एंड इसका नेकलाइन कुछ ऐसा है।
दिस इज़ वॉट इट लुक्स। और इसके स्लीव्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइज। ये देखो ऐसी वो जो बलून वाले स्लीव्स होते हैं ना, ये वैसा वाला स्लीव्स है, बट इसका कट मटेरियल बहुत बहुत अच्छा है, मतलब एकदम सॉफ्ट मटेरियल है। और अभी इसको ये जब धुलेगा ना एक बार तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो आप डेफिनेटली इसको गर्मियों के लिए ले सकते हो, लाइक गर्मियों में इसके नीचे एक स्नीकर्स डालो वाइट कलर के एंड विथ योर पर्स, यू आर गुड टू गो। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है यार। सो या दिस इज़ वॉट इट इज़। सो अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट पे, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है। एक बॉडी सूट है, आई गेस कुछ लोग जान गए होंगे कि ये कौन किस बॉडी सूट की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। तो दिस इज़ द बॉडी सूट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, सॉरी। सो भाई साहब ये मैंने इतनी जगह देखा, मतलब जैसे वो फर्स्ट में आपको कप दिखाया था ना मैंने, एकदम वैसा हर जगह हर कोई पहन रहा था। और ये इतना प्रिटी भी लग रहा था ना, मैंने सारे के सारे ना इसको मैंने इंस्टाग्राम के स्टोर्स पे देखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइजी दे रहे थे। एंड मैंने रैंडमली मीशो पे इसकी पिक्चर डाली और मेरे को ये मिल गया। बट ये भी मीशो पे कुछ ऐसा सस्ता नहीं है, ये कुछ अराउंड 480-470 के अराउंड है, आई विल मेंशन समवेयर। बट उसके अकॉर्डिंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये एक बॉडी सूट है, मैंने आज तक कभी बॉडी सूट वैसे पहना नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू वेयर दिस। ओके, तो यहाँ बटन दिया हुआ है नीचे कुछ इस तरीके का। ओके, बट यार इसमें प्रॉब्लम नहीं होती होगी। और इसके पीछे में ऐसा बैक में ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ है, बट मटेरियल इज़ सो गुड। और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, लाइक सी कि कितना स्ट्रेचेबल है। आई गेस ये सारे सबके साइज सबको आ जाएगा, ये ऐसा वाला साइज़ है। सो ये काफ़ी अच्छा बॉडी सूट है, बट ये बहुत ही ज़्यादा बॉडी हगिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए अब बारी आ गई है हमारे इस हॉल के सबसे लास्ट प्रोडक्ट की। एनी एसेस, दिस इज़ वॉट आवर लास्ट थिंग इज दिस ड्रेस। दिस इज़ अ परफेक्ट सुंदर सी एक मिडी ड्रेस है, जॉर्जेट मटेरियल में बहुत बहुत ही ज़्यादा क्यूट ड्रेस है ये। इसका कलर बहुत प्रिटी है, इसका मटेरियल बहुत प्रिटी है, इसकी प्रिंट एवरीथिंग इज सो गुड। मैंने पहले बार ऐसे स्क्वायर नेकलाइन पहन रखा है, आगे एक ऐसे टैसल डिजाइनिंग दी हुई है। एंड लुक एट हिज स्लीव्स, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ऊपर से ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ है, बीच में इलास्टिक है एंड नीचे एकदम फ्रॉक, एकदम फ्लेयर है। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर ड्रेस है, एकदम समर अप्रोप्रिएट। इसका कलर भी एकदम समर वाला वाइब दे रहा है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो अगर आप कहीं ट्रिप पे भी जा रहे हो ना, तो बहुत 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 अच्छा ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात कि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, 300 समथिंग का है, विच इज़ लाइक वेरी गुड प्राइस फॉर दिस ड्रेस। क्योंकि आप नॉर्मली ऐसे ड्रेसेस कहीं भी लेने जाओगे तो 1000 या 1500 के नीचे नहीं मिलेगा, बट मीशो है तो मुमकिन है। बट मीशो पे आपको ऐसे ड्रेसेस नॉर्मली मिल जाते हैं अच्छे प्राइस पे, सो डेफिनेटली। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट थिंग है पूरे हॉल का, ये ड्रेस और ये मग विच इज़ सो क्यूट। तो हॉल की सारी चीज़ें अब मैंने आपको दिखा दी है, सारे प्रोडक्ट्स सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे प्राइस के साथ। सबसे बड़ा पोपट तो मेरे को ये वाला प्रोडक्ट कर दिया, जो मैंने होम डेकोर मंगाया था कुछ और आया कुछ और है, लाइक बहुत बहुत फर्स्ट टाइम मैंने तो यार ये पहली बार एक्सपीरियंस किया है। लोगों का सुनती थी कि मीशो ये भेज देता है वो भेज देता है पहली बार, बट मतलब ऐसा नहीं कुछ ख़राब प्रोडक्ट है, बट यार वो नहीं है जो मैंने मंगाया था। सो रिटर्न कर देंगे हम उसे, मे बी रिटर्न हो जाए, आई डोंट नो। मैं आपको एक और लास्ट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, इज दिस लिप शेड। ये मीशो से नहीं है, मैंने अमेजोन से लिया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड है। सो दिस इज़ ब्लू हेवन का लिप ऑयल, की काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है गाइज। और ये शेड है ग्लेज्ड ब्राउन, आपको अगर दिख रहा हो तो आई विल, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी सा शेड है गाइज, आप देख सकते हो